Sandeep Acharya, your Indian Idol, extending my love to all the lovely and wonderful people. Dekho mere aansu yahi karte hain pukar, aao chale aao mere bhai. संदीप आचार्य इंडियन आइडल के दूसरे सीजन के विनर, जिन्होंने अपनी दिलकश आवाज से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई और फिर उन्हीं करोड़ों लोगों का दिल तोड़कर संदीप आचार्य हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। संदीप आचार्य छोटे शहर के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करने वाला एक नौजवान। किस्सा टीवी की आज की पेशकश श्रद्धांजलि है संदीप आचार्य नाम के एक ऐसे फनकार को, जिसने अपनी मासूम शख्सियत और मीठी आवाज से हर किसी को अपना मुरीद बना लिया। संदीप आचार्य के इंडियन आइडल तक के सफर और फिर अचानक उनके इस दुनिया से चले जाने की कहानी को आज हम और आप जानेंगे। चार फरवरी 1984 को संदीप का जन्म राजस्थान के बीकानेर शहर में हुआ था। चार भाई बहनों में सबसे छोटे संदीप बचपन से ही गाने के शौकीन थे। हालांकि उनके माता पिता को शुरू में मालूम नहीं था कि उनका बेटा कितना होनहार है। पढ़ाई लिखाई में भी संदीप काफ़ी होशियार थे। संदीप ने साइंस में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। एक दफ़ा संदीप ने अपने स्कूल के कंपटीशन में गाना गाया था। संदीप का गाना सुनकर पूरा स्कूल हैरान रह गया था और हर किसी ने संदीप के गाने की तारीफ की थी। उस दिन के बाद संदीप अपने स्कूल में हीरो बन गए। फिर एक बार बीकानेर में एक इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन हुआ। संदीप ने भी उसमें हिस्सा लिया। उस कंपटीशन को संदीप जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन दूसरे नंबर के लिए संदीप को ज़रूर चुना गया था। उस कंपटीशन के बाद तो संदीप अपने शहर बीकानेर में मशहूर हो गए और फिर शहर में कई मौक़ों पर उन्होंने अपना हुनर दिखाया और शहर में आयोजित हुए कई लाइव शोज में हिस्सा लिया। देखते ही देखते संदीप बीकानेर के हीरो बन गए। साल 2004 में संदीप ने गोल्डन वॉइस ऑफ राजस्थान नाम के एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस शो में संदीप रनर अप रहे। इसके बाद साल 2006 में संदीप ने इंडियन आइडल के दूसरे सीजन में हिस्सा लिया। बस यहीं से संदीप की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। संदीप इंडियन आइडल सीजन 2 के फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में विजेता होने का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया। इंडियन आइडल के उस पूरे सीजन में संदीप ने दर्शकों को अपनी सुरीली आवाज से मंत्रमुग्ध किए रखा। लोगों को संदीप के गाने का अंदाज बेहद पसंद आता था। शो के सभी जजेस को भी शुरू से ही उम्मीद थी कि ये लड़का शो में काफी आगे तक जाएगा। जिस वक्त संदीप ने इंडियन आइडल सीजन 2 को जीता था, उस वक्त उनकी उम्र मात्र 22 साल थी। इस जीत के बाद इनाम के तौर पर संदीप को एक चमचमाती मारुति बलेनो कार और सोनी बीएमजी के साथ 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। आपको बता दें कि जिस साल संदीप ने इंडियन आइडल में हिस्सा लिया था, उसी साल नेहा कक्कड़ ने भी उस शो में हिस्सा लिया था, लेकिन नेहा महज 3रे राउंड में ही शो से बाहर हो गई थी। इंडियन आइडल के बाद संदीप ने अपने कुछ सोलो एल्बम्स भी निकाले थे। उनका गाया गीत मेरे साथ सारा जहां बेहद लोकप्रिय हुआ था। 9X चैनल पर प्रसारित हुए रियलिटी शो जलवा 421 में भी संदीप ने हिस्सा लिया था और वो मिक्का की टीम का हिस्सा बने थे। इंडियन आइडल जीतने के बाद संदीप को हर वो चीज़ मिली थी जिसे पाने का ख्वाब कोई भी कलाकार देखता है। नाम, शोहरत, दौलत और इज्जत,
वो सेल्फी का दौर नहीं था। उस जमाने में लोग अपने चहीते सितारों से ऑटोग्राफ ही लिया करते थे। क्योंकि संदीप भी लोगों के चहीते बन गए थे तो लोग जहां भी उन्हें देखते थे उनके चारों तरफ भीड़ लगा लेते थे, उनसे ऑटोग्राफ देने की जिद किया करते थे। संदीप भी अपने चाहने वालों को कभी निराश नहीं करते थे। संदीप के पास शोज की भरमार थी। वो साल में 60 से 65 शोज किया करते थे और एक शो के बदले में वो 2.5 से 3 लाख रुपए बतौर फीस लेते थे। केवल भारत में ही नहीं, संदीप ने अमेरिका, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, दुबई, नेपाल और साउथ अफ्रीका में भी शोज किए थे। अमेरिका में संदीप को बेस्ट न्यू बॉलीवुड टैलेंट अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा संदीप को सुर आराधना अवार्ड व राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। संदीप ने सोनी टीवी के एक शो में एक्टिंग भी की थी। सोनी टीवी के चर्चित सीरियल वो पहली बार में उन्होंने एक गेस्ट रोल किया था। संदीप की जिंदगी में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आ रही थी। माता पिता संदीप पर गर्व करते थे। माँ ने बड़े ही शौक से अपने लाडले बेटे के लिए एक लड़की ढूंढी और साल 2012 में संदीप की शादी बीकानेर की ही रहने वाली नम्रता नाम की एक लड़की से हो गई। संदीप की शादी भी बढ़िया चल रही थी। उनकी पत्नी गर्भवती थी और वो खुश थे कि अब जल्द ही उन्हें पापा कहने वाला कोई दुनिया में आने वाला है। इसी बीच संदीप की तबीयत खराब हो गई। शुरू में डॉक्टर्स ने बताया कि संदीप को पीलिया हो गया है और घबराने की कोई बात नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ दिन दवाई खाने के बाद संदीप को लगा कि वो पूरी तरह ठीक हो गए हैं। इसी दौरान संदीप अपने परिवार के साथ बीकानेर में ही अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करने पहुंच गए। लेकिन उस शादी के दौरान ही संदीप की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। संदीप के रिश्तेदार उन्हें लेकर अस्पताल की तरफ दौड़े। अस्पताल वालों ने सलाह दी कि संदीप का इलाज दिल्ली या गुड़गांव के किसी अस्पताल में कराया जाए तो बेहतर होगा। आनन फानन में ही संदीप का परिवार उन्हें लेकर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल आ गया। डॉक्टरों ने संदीप का इलाज शुरू किया। कुछ देर इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने संदीप के घर वालों को बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है और संदीप की हालत अब स्थिर है। परिवार को लगा कि संदीप जल्द ही ठीक हो जाएंगे और वो उन्हें लेकर अपने साथ वापस अपने घर बीकानेर चले जाएंगे। लेकिन अगले दिन दोपहर यानी 12 दिसंबर 2013 के दिन अचानक संदीप के गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की कि संदीप की जान बचाई जा सके, लेकिन संदीप को नहीं बचाया जा सका। हम सब के चहीते संदीप आचार्य 15 दिसंबर 2013 को ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए अनंत की यात्रा पर निकल पड़े। संदीप के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उनका गम ये सोचकर और भी ज़्यादा बढ़ गया था कि महज 20 दिन पहले ही संदीप की पत्नी ने उनकी बेटी को जन्म दिया था। संदीप ने अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा था। आते जाते जो मिलता है तुमसे लगता है हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। संदीप की मौत की खबर जब मीडिया में आई तो लोग सदमे में आ गए। किसी ने नहीं सोचा था कि स्मिथ सिंह की तरह संदीप आचार्य भी कामयाबी मिलने के बाद इतनी जल्दी ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। स्मिथ सिंह की कहानी भी किस्सा टीवी एक दिन आपको ज़रूर बताएगा। अपनी मासूमियत और मधुर आवाज़ से संदीप ने कम वक्त के लिए ही सही, लेकिन भारत के लोगों के दिलों पर राज किया है। किस्सा टीवी संदीप आचार्य को नमन करता है और वादा करता है कि संदीप आचार्य हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जय हिंद।